Today we study numerical problem 3.16. आपके पास a charge of plus 15 microcoulomb is given to a hollow metallic sphere of radius 0.2 meter. You have a hollow metallic sphere. Radius of the sphere is 0.2 meter and charge metallic है, that is conductor. और conductor को अगर आप charge देंगे तो charge कहाँ present होगा? उसके surface के ऊपर. कितना अमाउंट ऑफ चार्ज आपके पास सरफेस से प्रेजेंट है? प्लस के 15 माइक्रोकूलम, दैट इज 10 की पावर माइनस 6 कूलम. कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है कहाँ कहाँ पे? एट द सरफेस, एट द सेंटर एंड एट द डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर फ्रॉम द सेंटर. देखिए, आपने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था मेटेलिक सरफेस के पोटेंशियल के लिए, तो वहाँ हमने पढ़ा था. और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कि सेंटर पे इनसाइड और देन सरफेस का पोटेंशियल सेम होता है, और वो पोटेंशियल होता है कितना है? के क्यू बाई कैपिटल आर. इसका मतलब इन तीनों का रिजल्ट तो सेम ही आएगा आपके पास. तो कैलकुलेट कर लेते हैं. तो देखो, सरफेस, सेंटर और डिस्टेंस 0.1 मीटर भी इसका इनसाइड पॉइंट है. तो स्टार्टिंग के जो तीन है उनके आंसर सेम आने वाले हैं. कितना आएगा? के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, चार्ज 15 × 10⁻⁶ अपॉन रेडियस कितना है? 0.2. पॉइंट रिमूव किया, कितना आएगा? 10. आपके पास ऑल आउट करेंगे कितना आ जाएगा? 7.5. ये प्लस 10 और माइनस 6 कितना हो जाएगा? प्लस 4. मल्टीप्लाई 9 × 7.5, 10⁴. इसको आप लोग प्रोडक्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा. कर लेते हैं एक बार प्रोडक्ट इसको हम लोग. 9 × 7.5, that is 67.5, 10⁴. एक पॉइंट आप लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6.75. इसलिए पावर में 1 ऐड करना पड़ेगा. टोटल कितनी हो जाएगी? 10⁵ वोल्ट. देखिए, स्टार्टिंग का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट रिजल्ट क्या है आपके पास? सेम है. नेक्स्ट पूछा गया, एट द डिस्टेंस ऑफ 0.3 मीटर फ्रॉम द सेंटर. सेंटर से 0.3 मीटर, तो ये आपके पास सेंटर है और ये आपके पास 0.3 मीटर. आउटसाइड होगा पी पॉइंट. तो आउटसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल, जो फोर्थ पार्ट है उसके लिए पोटेंशियल कितना आएगा? के क्यू अपॉन में स्मॉल आर. के क्यू वैल्यू कितनी? 9 × 10⁹. चार्ज कितना गिवन आपके पास? 15 μC, 10⁻⁶. और डिस्टेंस इस बार कितना है? 0.3. पॉइंट मूव किया, कितना आया? 10. कैंसिल आउट करोगे क्या बचेगा? प्लस 4. 3 से कर लेते हैं, 5 × 9 = 45. 3 हो गया 45 × 10⁴ कितना? 4. 1 पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो फिर से 4.5. पावर में 1 ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 10⁵ वोल्ट. और आंसर. थैंक यू.